अजीत पवार और उनके साथ गए हुए विधायक अब भाजपा के साथ सत्ता में आ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष किसका, इसको लेकर अब जो जंग छिड़ गई है उसको लेकर दोनों गुटों में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। पुणे में देखिए कि जो शरद पवार के साथ लोग हैं वो यहाँ पर है और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारिणी बैठक हो रही है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप जी, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी क्या कहेंगे, आज जो ये कार्यकारिणी की बैठक हो रही है कौन कौन इसमें आया हुआ है, क्या हो रहा है? दो दिन के पहले जो सत्ता संघर्ष महाराष्ट्र में दिखाई दिया है उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पवार साहब के पार्टी की मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है। पुणे के हम सारे साथी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ है। आज की मीटिंग के दो सब्जेक्ट है, एक पहला है कल मुंबई में हमारी जो बड़ी मीटिंग होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान करना, और उसी के साथ दूसरा ऐसा है कि अभी पार्टी का एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि कौन किसके साथ है। तो आज की मीटिंग में हम लोग वो एफिडेविट की कॉपी सारे लोगों को अवेलेबल करवा के दे रहे, जिसमें जो जो लोग आदरणीय पवार साहब के साथ आना चाहते, पवार साहब की एनसीपी के साथ है, उनके लिए वो एफिडेविट की कॉपी हम लोग अवेलेबल करके दे रहे। इसके माध्यम से पुणे सिटी, पुणे डिस्ट्रिक्ट और एंटायर महाराष्ट्र में जो जो लोग आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ है, आज भी है और कल भी रहना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर जाने की ये कोशिश है। यहाँ पर ये जो घोले रोड स्थित ये नेहरू हॉल है, यहाँ पर ये जो पदाधिकारी है या ये जो कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, ये पूरे जिले से आए हैं और उसका उनका औदा क्या है? तो ये सारे पुणे सिटी के, पुणे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग कई अलग जगह धनकोड़ी में चल रही है। आज के इसमें सिर्फ जो पुणे सिटी है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है, वहाँ की मीटिंग हो रही है और इसमें काफी तादाद से लोग यहाँ पर आए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारे लोग आदरणीय पवार साहब को साथ देना चाहते और साहब के साथ रहना चाहते। आपको क्या लगता है आंकड़े क्या कहेंगे, अगर पूरे राज्य की बात करें तो कितने पदाधिकारी या हर तालुका के जो पदाधिकारी है वो पवार साहब के साथ होंगे या अजीत दादा के साथ? महाराष्ट्र तो पवार साहब के साथ रहेगा, लेकिन पुणे में लार्जेस्ट काउंट पवार साहब के साथ रहेगा, इस बारे में मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। देखिए एक तरफ दोनों गुट, अब राष्ट्रवादी पक्ष किसका है इसके ऊपर उनका दावा बोला हुआ है, वहीं अब दोनों तरफ से एफिडेविट के साथ कौन पदाधिकारी किसके साथ है ये बताने के लिए हर एक शहर में इस तरह की बैठक, इस तरह की मीटिंग हो रही है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।